मारने की कोशिश की जा रही है पूरी पूरी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज है फिर से संडे और आ गए हम फिर से एक और संडे राइड पे MotoGP रोड पे। तो हमारे साथ जो है आज NS 400 रखी है, मेरी NS 160 है, ड्यूक 250 है, NS 160 है, NS 160, RN5 और एक डोमिनार 250 भी है, और एक एक्टिवा है, और एक निंजा 300 है आदित्य की। तो अभी यहाँ से करते हैं राइड स्टार्ट, निकलते हैं और देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि पिछले व्लॉग में जो भी आपने देखा होगा अभी तक कि हर वीडियो में क्रैश ही क्रैश मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ऐसा कुछ ना हो और राइड हो सबकी सेफली हो जाए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से और इन्जॉय करो आप राइड को। तो दोस्तों, निकल चुके हैं यहाँ से सभी राइडर्स। ये चेक करो गुरंग को NS 160 में, इसने मेरा वाला जो है एग्जॉस्ट लगा लिया है अपनी बाइक में। तो इस बाइक में चेक करो कि साउंड कैसी आ रही है, ये चेक करो गाइस। भाई साहब बहुत लाउड हो रखी है यार, अब समझ आ रहा है मेरे को कि मेरी बाइक में जब लग रखा था तो कितनी लाउड चलती थी मेरी बाइक भी। गाइस आ चुके हैं अपनी नरेंद्र नगर MotoGP रोड पे, देख सकते हो गाइस कैसे लौंडे चार्ज हो रहे हैं, टायर को गर्म किया जा रहा है। यहाँ से होने वाली है हाइपर राइड। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आराम से। तो भाई इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है हमको कि जानवर जो है कभी भी आगे आ सकते हैं, तो हमको बच कर चलना होता है। यहाँ पे डोमिनार और RN5 की रेस लग चुकी है गाइस, ये चेक करो कैसे भाग जा रहे हैं। ये निकला आदित्य निंजा 300 में, तो थोड़े से टायर गर्म हो जाए उसके बाद लीन करेंगे बढ़िया करके। NS 400 भाई साहब, इसमें भी बहुत पावर है यार, खतरनाक वाली। अगर कोई भी नई बाइक लेने जा रहा है तो मैं प्रेफर करना चाहूँगा आपको कि NS 400 ही लें आप। अगर आप RN5 पे जा रहे हैं तो NS 400 ही लें, क्योंकि सेम बजट में आपको 400 मिल जाएगी। ये चेक करो गाइस, ये निकले लौंडे और ये नीड रैग मारने की कोशिश की जा रही है पूरी पूरी, बट बच रहा है अभी भी।
गाइस इनसे आगे निकलते हैं थोड़ा सा। एकदम लेट हो गए आज राइड में जाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलने लगी है अभी, ट्रैफिक बढ़ चुका है इस रोड पे। आज ना हम जल्दी जाते हैं तो इस रोड पे ट्रैफिक कम मिलता है, इतनी गाड़ियाँ नहीं आती है। यहाँ से पावर की थोड़ी कमी महसूस होती है हमको। चलो भाई थोड़ा सा हाई पर होते हैं, काफ़ी देर हो गई है। देखो गाइस हर टर्न पे गाड़ी मिल रही है हमको, तो ढंग से हम लीन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे आगे चल रहा है समीर, अब 2 किलो अंडे पीछे हैं। अपने फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर रुक के वेट करते हैं पीछे वाले राइडर्स का। तो आने देते हैं सबको। सो गाइस निकल चुके हैं फर्स्ट स्टॉप से भी अपने, और ये चेक करो आगे चल रही है मेरे एनएस, इसमें ऐसी प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसकी आवाज ही आपको सुनाता हूँ अभी मैं। ओहो, ये चेक कर रहा है साउंड। ज़्यादा हाई पर राइड करनी गए लॉन्डे, क्योंकि अभी तक जितने भी राइड किए हर राइड में जो है क्रैश हुआ ही हुआ है किसी ना किसी का, तो उस चक्कर में जो है लॉन्डे सुधर चुके हैं। अब कुछ टाइम के लिए सुधरे हैं मुझे पता है, वरना तो ये हाई पर राइड भी चलते हैं वरना इनकी राइड होती ही नहीं है। तो देखते हैं कितने टाइम तक ये छोड़ते हैं, उसके बाद तो फिर वही गेम स्टार्ट कर देंगे दोबारा से। लेट्स सी गाइस क्या होता है। कमेंट जरूर करना और मेरे को एक चीज़ और बताना कि मैं संडे राइड के ब्लॉग बनाऊं या फिर ट्रैवलिंग के बनाऊं, मतलब कहीं घूमने जाऊं, या फिर नॉर्मली मेरा डेली ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ कंटेंट बनाऊं मैं, कमेंट करके गाइस जरूर बताना मेरे को, क्योंकि संडे राइड हो चुकी है रिस्की, ये आप सबको भी पता है। तो इसलिए थोड़ा मन ऐसे ही चल रहा है मेरा कि संडे राइड
थोड़ा छोड़ दे रहा है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हाइपर राइड के बिना मज़ा आता नहीं है और हाइपर राइड के बिना बहुत देखोगे नहीं, तो इसलिए बाद में वो कमेंट करके जरूर बताना भाई कि मैं क्या करूँ। ये निकला वो तो कि डोमिना 250 R5 समीर आराम से भाई। देखो रोड भी ऐसी हो रखी है ना अब तो यहाँ की कि बाइक चलाने वाली रोड ही नहीं रखी है यार बिल्कुल भी। ये है भैया, ये चेक करो भाई, फिर से हाइपर होने की कोशिश पूरी की जा रही है और हो भी रहे हैं। गाइस राइड पर लौंडे तो बहुत आते हैं बट दिक्कत सारी यही है वो पीछे रहते हैं तो मैं उनको दिखा नहीं पाता हूँ इतना, और जो आगे चलता है वो सब आते रहते हैं। वो ये लो ओ भाई नीट रैग होने में इतना से गैप रहा भाई सिर्फ। मेरे आगे समीर चल रहा है भाई। ओ भाई यहाँ की रोड देखो एक तो गीली हो रही है और वेदर चेक करो गाइस कितनी फॉगी हो रखा है, रोड भी गीली हो रखी है तो यहाँ पे इसलिए लीन ज्यादा करनी है, थोड़ा रिस्क है। फाइनली पहुंच चुके हम आगरा फॉल और सीधे जाके रुकेंगे हम अपने स्टॉप पे। सो गाइस पहुंच चुके हैं तमीज से राइड करके अपनी डेस्टिनेशन पे। आज बहुत तमीज से आए सारे राइडर से, ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आपसे। बाकी लौंडे तो पीछे रह गए, उनका आने का वेट करते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे।